नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। गुड मॉर्निंग। पटकन बटकन दही चटोकन मुसुआ मोटा रुपया खोटा माला टूटी बेबी छोटी मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।
रंग सबकी मांग है, बोलो जी ये राग है या राग है, मंडे भी हो संडे सबकी मांग है, बोलो जी ये राग है या राग है। क्या हुआ? गाड़ी नहीं, विसल। यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये बताइए, आप शाम को जा रहे हैं? जाना ही पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है। पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले बंबई एक दिन के लिए। क्यों? वहाँ मैं 5-स्टार होटल बना रहा हूँ। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे? फिर एक दिन के लिए भोपाल। भोपाल क्यों? वहाँ आर्किटेक्ट्स की मीटिंग है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ओके, फिर वहाँ से 2 दिन लखनऊ, वहाँ टीवी स्टेशन का साइट फाइनल करना है। 1 and 1, 2, 2 and 2, 4, 4 दिन। आपको तो प्लेन से डर लगता है, तो ट्रेन में कितना टाइम लगेगा? हाँ, वो भी 3 दिन जोड़ लो। 7, 7। आपको मालूम है हमारा इंटर स्कूल कंपटीशन कभी है? ओह माय गॉड, वो तो 6 दिन बाद है। डोंट वरी बेटा, मैं लखनऊ का काम एक ही दिन में पटा दूंगा। प्रॉमिस पापा। पक्का प्रॉमिस। अगर आप नहीं आए तो मैं डांस नहीं करूंगी, और मैं डांस नहीं करूंगी तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। अजय आप देखिए तो सही, पहली रो की पहली सीट पे जो सबसे पहले ताली मारेगा वो मैं ही हूँगा। आई लव यू पापा। लव यू टू। आई लव यू टू, 3, 4। आ जाना पापा। आहा, ये देखिए, दिस इज एक्सीलेंट। ये देखिए फर्स्ट। जनाब, ये है आपके कवर पेज का लेआउट, है ना क्लास? नहीं 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 सर, इस पर फोटो ये वाला नहीं होगा। सर, आंखों में ड्रीमी लुक होनी चाहिए। अभी 10,000 का प्रिंट ऑर्डर है, और पॉपुलर होते ही हम सेकंड एडिशन निकाल देंगे। जनाब, टाइटल की लेटरिंग पर गौर फरमाइए। दिखाइए सर, है ना क्लास? अच्छा, कविता संग्रह के लिए दिल क्या करे से ज्यादा अच्छा टाइटल तो हो ही नहीं सकता सर। टाइटल तो अच्छा है, लेकिन कवर से मेरा नाम निकाल दीजिए। अच्छा, यानी कि गुमनाम कवि की कविताएं? करेक्ट, है ना क्लास? सर, मैंने किताब का डिजाइन बनाया है। एक मिनट। हेलो कविता। सोमू, अरे कहाँ हो तुम? ओफो, मैं अकेली यहाँ सुपरमार्केट में परेशान हो रही हूँ। आनंद टूर पर गए हुए और राम दुलारे का आज ऑफ है। अगर मैं लेट हो गई तो नेहा को स्कूल से कौन लाएगा? कविता, एक मिनट। तुम्हारे एक मिनट में तो एक पैकेट हल्दी भी डालना। सुनो, अरे ये नहीं, वो वाली, और मिर्ची भी लाल वाली। सर, कवर पर तस्वीर कौन सी डालूं? सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, लाल मिर्ची। लाल मिर्च कविता संग्रह, वाह, है ना क्लास? शराब। सोमू, तू? सॉरी, आई हैव टू गो। लेकिन सर, वो डिजाइन अजीब आदमी है, एक तो करोड़पति, ऊपर से कवि, यानी के करेला और नीम चढ़ा, है ना क्लास? तुम्हारे होंठों से चूमता हूं मैं उस किरण को, जो खूब अंधेरे से डरती डरती मेरी सलाखों को छू गई। तुम्हारे हाथों से छू रहा हूं मैं उस हवा को, जो मेरे जेल खाने की कोठरी के पास से गुजर गई। क्या बात है, जेल की हवा? क्या बात है, क्या बात है, जेल की हवा? वैसे आप जेल में कौन से घोटाले के लिए गए थे? राम दुलारे। नो प्रॉब्लम, आपके कॉफी में कितना घोटाला डालू अपना, कितनी चीनी डालू? तुमको मालूम नहीं है ना जैसे? मालूम है ना, लेकिन मैंने सोचा इतनी दुख भरी कविता बोली है तो मुंह कड़वा हुआ होगा। राम दुलारे। नो प्रॉब्लम, 3.5 चम्मच डालता हूँ। हाँ सुनो, सुनाओ। तुम्हारे कानों में मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई जंजीर टूटती है। ये मुझको बंदी बनाने वाले, ये तुमको मुझसे जुदा करने वाले,
ये भूल चुके हैं कि मैं तुम में समा चुका हूं। मैं बंदी खाने से दूर जा चुका हूं। मेरी तो रिहाई हो चुकी है, मेरी तो रिहाई हो चुकी है, मेरी तो रिहाई हो चुकी है। मेम साहब, मैं अपनी रिहाई करूं? हाँ, कर लो। थैंक यू, बिग प्रॉब्लम। तुम जैसा जोकर इतनी अच्छी कविता कैसे कर सकता है? आज तक समझ में नहीं आया। मेरी भी समझ में नहीं आया। हेलो आनंद। हाउ आर यू जान? इतनी देर से फोन किया, कब से वेट कर रही हूँ, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। क्या कर रही हो? सोमू की नई कविता सुन रही थी। अच्छा, जरा फोन देना उसे। हाँ देती हूँ, एक मिनट सोमू। हाय आनंद। क्यों बेचाले, तू रात के 12 बजे मेरे घर में क्या कर रहा है? चौकीदारी। ये तेरी बीवी है ना, ये खूबसूरत भी है और जवान भी, अगर कोई उठा के ले जाए तो इल्जाम तो मुझ पे ही आएगा ना। इसीलिए चौकीदारी कर रहा हूँ। साले चौकीदारी तो ठीक है, ये शेरो शायरी क्यों कर रहा है? अरे यार, दूसरी बुक निकल रही है ना, उसमें कुछ नया लिखा है। अच्छा, मुझे भी सुना। सॉरी मिस्टर, कविताएं फोन पे मैं सिर्फ लड़कियों को सुनाता हूँ। अच्छा, मेरी बिटिया रानी क्या कर रही है? नेहा सो रही है। पापा, मैं अभी तक सोई नहीं। अरे बदमाश। पापा, सोमू अंकल की पोएट्री सुनकर नींद कैसे आएगी? बेटा भोपाल। पापा आप कब आओगे? मैं कल ही निकल रहा हूँ यार, एक दिन लखनऊ फिर आपके पास। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। लव यू पापा। लखनऊ के टीवी स्टेशन के लिए वाकई इससे बढ़िया साइट नहीं होगा। आपकी क्या ओपिनियन है मिस्टर आनंद? मगर सोचिए, इस ऐतिहासिक किले के सामने 300 फीट ऊंचा लोहे का टावर इसकी ब्यूटी का सत्यानाश नहीं कर देगा। लेकिन आनंद साहब, ये साइट मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में है। अच्छा, खुद चुन के दिया है। फिर तो इसे बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, मैं अप्रूवल नहीं देता। क्या? उस पहाड़ी के पीछे एक और साइट है, शायद टावर छिप जाए। सॉरी, मेरे ट्रेन का वक्त हो गया। प्लीज आनंद जी, मंत्री जी का मामला है, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर साइट पक्का नहीं हुआ तो। हम उस साइट से डायरेक्ट स्टेशन चल पड़ेंगे। अच्छा चलिए। हेलो। हाय जान। हाय, ठीक से पहुंच गए थे प्लेन से? तबीयत तो खराब नहीं हुई? होटल कैसा है? सब ठीक है। ये बताओ, फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगाया? नहा रही थी ना। कपड़े पहन लिए? नहीं। कैसी लग रही हो? आनंद, बहुत मारूंगी। हाँ। मिसिंग यू स्वीटहार्ट। आई मिस यू टू। अच्छा सुनो, मुझे यहाँ 3 दिन और लग जाएंगे। क्यों? तुम्हारा तो 1 दिन का काम था ना। डिजाइन में कुछ चेंज आ गया, मैंने कैलाश को यहीं बुलवा लिया। अच्छा ठीक है, but listen, don't overwork yourself. I won't. नेहा कहाँ? नेहा बाहर खेल रही है, बुलाओ। नेहा, नेहा, एक मिनट हाँ, बुलाती हूँ। नेहा, bye. नेहा, क्या है मम्मी? बेटा, पापा का फोन है। Hi पापा। हाय बेटा। पापा, वो जो मैंने बोला था ना बड़ा वाला बनी रैबिट लाने को, वो मत लाना, आंटी अभी अभी देकर गई है। अच्छा, कौन सी आंटी? वो अच्छी वाली आंटी आई थी और उन्होंने बोला मैं और भी टॉयस लाऊंगी। पापा अब जल्दी आओ ना। ओके पापा, मैं मोनू को साइकिलिंग सिखाने जा रही हूँ। बाय पापा। कौन आया था? मैंने देखा नहीं। जब मैं निकली तो गाड़ी निकल रही थी, मेरे ख्याल से मिसेस मल्होत्रा होंगी, जब से उनका बच्चा गुजरा है सबको खिलौने बांटती फिरती हैं। नेहा को समझाओ, इस तरह किसी से चीजें लेना अच्छी बात नहीं है। यस सर। और कुछ? बोलो। आई लव यू। आई लव यू सर। आई लव यू टू। बाय बाय। क्यों डरती है? देख वहां हाथ रख और चला धीरे धीरे। सुनो बेटा, ये आपको मल्होत्रा आंटी ने दिया? नहीं तो? तो फिर किसने दिया? मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। मामा की कोई फ्रेंड थी? मुझे क्या मालूम, आपकी तो इतनी सारी फ्रेंड्स होती हैं। पर बेटा, आपने उनको पहले कभी देखा है? ओफो, आप कितनी बात करती हैं। मुझे मोनू को साइकिल सिखाना है। Thank you.
कितनी देर लगा दी। मैं झुनमुन को डॉल दिखा रही थी। कितनी अच्छी है ना डॉल, ये बात भी करती है। अच्छा, किसकी है? मेरी है बाबा, आंटी ने दी है। कौन सी आंटी? वो आंटी है ना जिन्होंने मुझे बिग बनी दिया था। वो आंटी यहाँ भी आती है? हाँ, वो तो रोज आती है। मिसेस पंचाल, एक मिनट बेटा। हेलो मिसेस किशोर, कैसी हैं आप? मिसेस पंचाल, नेहा बता रही थी यहाँ कोई औरत उससे मिलने आ रही है। यो मैं नंदिता राय, व्हाट अ नाइस लेडी। आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार है ना? नंदिता राय, मैं तो किसी नंदिता राय को जानती भी नहीं। मगर नेहा तो उनसे काफी हिली मिली लगती है। नेहा तो बच्ची है मिसेस पंचाल, लेकिन आप कैसे किसी भी औरत को उससे मिलने दे सकती हैं? मम्मी घर चलो ना, मुझे चेंज करके डांस क्लास भी जाना है। एक मिनट चलो। प्लीज मिसेस पंचाल, आप मेरी परमिशन के बगैर नेहा को किसी से ना मिलने दें। श्योर, मैं ख्याल रखूंगी। थैंक यू। देखो बेटे, अगर कोई अनजान आंटी आपको खिलौना दे तो आपको नहीं लेना चाहिए। मगर मैं तो जानती हूँ उन्हें। जानती हो? कैसी दिखती हैं? बहुत अच्छी। आती कैसे? गाड़ी में, बड़ी वाली वाइट कार है उनकी। सबके लिए खिलौने लाती हैं या सिर्फ आपके लिए लाती हैं? वो मेरी आंटी है ना मम्मी, तो सबके लिए क्यों लाएंगी? क्या बातें करती हैं? सब कुछ। सब कुछ? हाँ, मेरे फ्रेंड्स कौन है, पापा क्या करते हैं, होमवर्क कौन कराता है, राम दुलारे तंग तो नहीं करता है। लॉली चॉकलेट खाओगी? स्टॉप इट नेहा। हेलो बेबू। नेहा स्टॉप इट। अरे थोड़ी थोड़ी है। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। प्लीज बेटा चुप हो जाओ। अरे यार, तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड की फर्स्ट लड़की हो और रोती हो। छी, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अच्छा तुम मम्मी को फोन दो, मैं डांटता हूँ उसे। जोर से डांटना पापा। हाँ, और बोलना कि मुझे डांस क्लास ले जाए। ऑफ कोर्स मम्मा तुमको डांस क्लास ले जाएंगी बेटा। मम्मा सो सॉरी। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। हेलो। क्या हुआ जान, बहुत अपसेट है वो। आई नो। आनंद, तुम किसी नंदिता राय को जानते हो? अगर खूबसूरत और जवान है तो जरूर जानता हूंगा। कम ऑन आनंद, आई एम सीरियस। जानते हो क्या? नेवर हर्ड ऑफ हर। कौन है ये नंदिता राय? पता नहीं कौन है। नेहा से मिलती रहती है, महंगे महंगे खिलौने देती रहती है। What? प्रिंसिपल ने सोचा वो मेरी फ्रेंड है, उसने अलाउ कर दिया। याद है तुम कलकत्ता में थे और एक औरत यहाँ आकर बेबी को बिग बनी देकर गई थी? मैंने सोचा मिसेस मल्होत्रा होंगी, पर आनंद वो तो यही थी। कौन हो सकती है और मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है? जान, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है हमारी कोई पुरानी दोस्त हो और हमें इस तरह सरप्राइज दे रही हो। आजकल में ही सामने आ जाएगी। तुम वाली कब लौट रहे हो? परसों। साइट पक्का करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आई मिस यू। मिस यू टू। दिल क्या करे, मार्केट में आ गई। ओह, कांग्रेचुलेशंस। सेल शुरू करवानी है तो फिर करो ना। मुहूर्त तो तुम्हारे हाथों ही होगा ना। जब तक तुम पहली बुक नहीं लोगी तब तक सेल कैसे शुरू हो सकेगी? अच्छा ठीक है, मैं कल आती हूँ। पॉपुलर बुक हाउस पास ही में है, 15 मिनट में जाके वापस आ जाएंगे। अच्छा, और नेहा? क्लास खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, जरा वॉचमैन को बोल दो नेहा का ख्याल रखेगा। सर आप बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो सौंदर्य। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम्हारे लिए कविता। ओह, ये लो। थैंक यू।
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। टाइम हो गया, जल्दी आके कर लेना। आई कम लेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लीज। यू लेटर, बाय बाय। मुझे आज तक पता नहीं चला लड़कियां कवियों के पीछे क्यों भागती रहती हैं। क्या कह रही हैं? यहाँ तो एक्सपीरियंस ही कुछ उल्टा ही रहा है। कवि लड़की के पीछे भागता रहा लेकिन लड़की उसके हाथ में नहीं आई। पागल हो तुम, अच्छी सी लड़की देखकर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आप मुझसे शादी करेंगी? जी आपका बहुत उपकार होगा मुझ पे, प्लीज शादी कर लीजिए मुझसे। आप पागल है क्या? जी नहीं, मैं कवि हूँ। देखिए मेरी बुक छपी है। Get lost, so move impossible, बैठो जल्दी, नहीं तो नेहा की क्लास छूट जाएगी। God, देख लिया मैं सर, I'm a loser। एक अकेला एक शहर में। मैंने कहा था ना लेट हो जाएंगे, परेशान हो गई होगी नेहा। बच्चे कहाँ हैं? वो तो चला गया शाप। और नेहा? वो भी चला गया मैम शाप, उसका चाची लेने आया था उसको। What? You idiot! मैंने तुमसे कहा था कि तुम बच्ची को किसी के साथ मत जाने देना। नेहा, excuse me, आपने एक छोटी सी बच्ची को स्कूल से निकलते हुए देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। एक बच्ची है। चलो। नेहा। हेलो, होटल डायमंड क्वीन, प्लीज ट्रेस मिस आनंद किशोर, इट्स वेरी अर्जेंट। अरे 405 में ठहरे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में तो बाहर बुलाइए ना जल्दी, प्लीज। ए कविता, पागल हो गई हो क्या? रिलैक्स, आनंद से बात करो, आनंद का फोन है, चलो। रिलैक्स, प्लीज होल्ड योरसेल्फ। सुनो कविता, हेलो कविता प्लीज। मैंने नेहा को खो दिया आनंद, जान सब मेरी गलती है, मुझे आदत लगी इसको। मैं अभी डीसीपी कुमार को फोन करता हूँ। हाँ बाबा, मैं अभी फोन करता हूँ, डोंट पैनिक। एक्सक्यूज मी, कुड यू लुक अप द दिल्ली डायरेक्टरी प्लीज, आई वांट टू टॉक टू डीसीपी कृष्ण कुमार। Excuse me. Yes, sir. Delhi की next flight कब है? कल सुबह 7 बजे sir. Please एक ticket book करा दो. Yes, sir. Airport Highway Squad और सारे stations को inform कर दो. जनाब. एक 5 साल की लड़की नेहा. जी. और उसके साथ एक महिला. Give that top priority. Is that understood? कहाँ लेके जाएंगे वो नेहा को? कविता वो कहीं नहीं ले जा सकती. Relax. सुबह अगर नेहा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगी. Mrs. Kishore, please control yourself. Look, we're doing our level best. हमें नेहा की तस्वीर चाहिए होगी टेलीविजन पे देने के लिए। हाँ जी। और उस तस्वीर की कॉपी हर स्टेशन पे होनी चाहिए। हाँ जी, मैं लेकर आती हूँ। मिस्टर सोमदत्त, आप मेरे साथ चलिए, नेहा के प्रिंसिपल से मिलना है। अच्छा, सुबह में चलिए। वही उस औरत का हुलिया बताएंगी। लेकिन वो तो हवा के घोड़े पे सवार थी, कहने लगी फिर आऊंगी। हमने कहा एक बार इस राम दुलारी सिन्हा के हाथ की चाय तो पीते जाओ, जिंदगी भर याद रखेंगी। कहने लगी हम चाय नहीं पीते, हमने भी कह दिया नो प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ, तुम ठीक हो ना बेटा? हेलो, राम दुलारी सिन्हा स्पीकिंग। साहब एक मिनट ना, मैम साहब को बुलाता हूँ, साहब का फोन है। हेलो आनंद। हाँ नेहा आ गई। थैंक गॉड, कहाँ मिली? घर पर ही थी, वही लेकर आई थी इतना अंधी तरह। वो क्यों कर रही है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है, नेहा ठीक तो है? हाँ ठीक है। जरा फोन देना उसे, पापा से बात करो। हेलो पापा, कैसा मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा,
जिन लोगों को हम नहीं जानते, ना उनसे कोई चीज लेते हैं, ना कभी उनके पास जाते हैं, ओके? मैं तो कहीं नहीं गई थी, वो तो मम्मी गई थी ना सोमू अंकल के साथ, फिर क्लास खत्म हो गई और वो आंटी मुझे ले आई। बेटा तो आपको मम्मी का वेट करना चाहिए था ना? वेट किया ना, सब बच्चे जाने के बाद भी वेट किया। अच्छा सुनो, अब कभी नंदिता आंटी आपको बुलाए तो आप उनके पास नहीं जाएंगे, ओके? और वो मेरे पास आए तो अच्छा, मम्मी को फोन दो। ओके पापा, I love you. Love you too, बेटा। I love you too, 3, 4. Bye. Bye. Hello. नेहा तो बिल्कुल ठीक है? हाँ, she's fine. तुम कहो तो एक दिन रुक कर आ जाओ, यहाँ सब काम खत्म हो जाएगा। ओके। Hey, don't sound so serious. अनंत क्या चाहती है और ये हमारी दुनिया में क्यों आग लगा रही है? जान, कैसी बातें करती हो? तुम जानती हो वो कुछ नहीं कर सकती, पुलिस उसके पीछे लगी और वो जल्दी सामने आ जाएगी। अरे, I can't live without you. तुम दोनों ही सब कुछ हो मेरे लिए। और तुम भी सब कुछ हो मेरे लिए। You know, how much I love you. और कोई इस प्यार को तोड़ नहीं सकता। Bye. Bye. फ्यूचर, अपना करियर, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। पापा, मैं आनंद से प्यार करती हूँ। सच हो रहे हैं, एक तेरा है,
दिख मेरा। सॉरी मिस्टर आनंद किशोर, हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। समझ में नहीं आता कि उसने नेहा को किडनैप करने की कोशिश की तो फिर घर पर क्यों ले आई। एनीवे, घबराने की कोई बात नहीं है, स्कूल के प्रिंसिपल और राम दुलारे ने उस औरत का हुलिया बता दिया है और हमने वो इन्फॉर्मेशन सारे थानों में दे दी है। जरूरत पड़ी तो बच्ची के साथ एक हवलदार भी लगा देंगे। थैंक यू मम्मी, प्लीज मुझे स्कूल जाने दो ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बेटा आज आप यहीं खेल लो ना। मगर मैं किसके साथ खेलूं, मेरे सारे फ्रेंड स्कूल चले गए। जिद नहीं करते बेटा, जाने दीजिए उसे, आप घबराती क्यों हैं? नहीं वो बस एक बार आनंद आ जाते ना। जाओ बेटा आप राम दुलारी के साथ खेलो। गो, गुड गर्ल। लगता है आपको हमारी पुलिस फोर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आनंद नहीं है ना। मैं तो मैं समझता हूँ। एनीवे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जी, नेहा को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू, बाय बाय। बेबी, नो प्रॉब्लम, मिल्क इज रेडी। बेबी, वो तो तुम्हारे पास ही गई है, देखो अपने कमरे में होगी। मेरे पास वो तो वहां नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ
सोच लो कविता, मुझे संतान की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सहारे जी लूंगा। जानती हूँ तुम्हारे इस प्यार की शक्ति ने ही तो मदद की है मुझे ये निर्णय लेने में। कब तक चलने लगेगी? आनंद अभी तो बस 7 दिन की है ये। इनको थोड़ी ज्यादा जल्दी है, ऐसा कीजिए आप इसको गाड़ी की चाबी दे दीजिए, ये हम सबको ड्राइव करके घर ले जाएगी। मम्मी, 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 मम्मी। देखिए मैं नेहा को वापस ले जाने नहीं आई, नेहा आपकी है और आपकी ही रहेगी। मैं तो बस यूं ही एक बार देखने आई थी उसे। I'm sorry. मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम ही नेहा की माँ हो? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, बस इन आंखों में देख लीजिए। अगर ये झूठ बोल रही हैं, तो उन पर विश्वास मत करना। मगर तुम इस तरह छुप छुप कर नेहा से क्यों मिलती थी? सामने क्यों नहीं आई? डर लगता था कि अगर आप लोगों ने मुझे गलत समझ लिया तो। सोचा था उसे एक बार देखकर वापस लौट जाऊंगी, लेकिन पता नहीं किस चीज ने मेरे पैर थाम लिए। शायद ममता, शायद स्वार्थ, शायद अपना अकेलापन। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जिस तरह अचानक आई थी उसी तरह अचानक चली भी जाऊंगी। यहां जब बड़ी होगी तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि मुझ जैसे उसे कोई मिली भी थी। और आप भी उसे कुछ मत बताना,
जानती हूँ मैंने बहुत परेशान किया है। सच मानिए मैं आपके घर तक कभी नहीं आती, लेकिन मैं कल जा रही थी और बस एक आखिरी बार नेहा को देख लेना चाहती थी। I'm sorry. अनजाने में मैं क्या क्या कह गई ना आपको, I'm really sorry. जो कुछ भी कहा बहुत अच्छा लगा। नेहा बहुत किस्मत वाली है कि आप जैसी माँ मिली है उसे। पर वो मुझसे ज्यादा तो अपने पापा से प्यार करती है। लगता है वो आपसे भी ज्यादा अच्छी है। मेरा भी यही ख्याल है। हेलो बेटा। मम्मी आंटी का घर ले चलो ना, मैं अपने टॉयज बताऊंगी। आप ही बोलो ना। नेहा फिर कभी। नहीं अभी चलो ना, इधर ही तो हमारा घर है। चलो ना, राम दुलारे भी शिकायत कर रहा था, उस दिन तुम चाय पिए बगैर ही निकल गई। ओके ये ये कमीने साहब रुको, प्रॉब्लम। अरे देखिए, अरे रामू, बिग प्रॉब्लम, बेबी गायब। कविता, कविता। हाँ सुमो। कविता, नेहा कहाँ है? मिल गई। नेहा कहाँ है? सब ठीक हो गया, यहीं कॉलोनी के पार्क में थी। लोग कर लो बात, ढिंडोरा शहर में और बच्ची बगल में, कमिश्नर के पीछे सारा दूध गिर गया, अभी लाते हैं फ्रेश। साथ में कुछ चाय बिस्किट भी लेना। हाँ अभी लाया मालकिन। क्या कैसे हुआ सब? सुनोगे तो विश्वास नहीं होगा। ये है ना, इसका नाम किट्टू है, बहुत गंदी है, इसे अच्छे कपड़े पहनाओ तो गंदे कर देती है। अच्छा, और ये पापा लाए हैं, इसका नाम है बारबरा। अरे इसने कहा तुमने मान लिया? कविता तुम नहीं जानती इन गैंग वालों को। मेरी नजर कभी धोखा नहीं देती, देखो ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपके पापा की तरह। ये मेरे पापा थोड़ी है, मेरे पापा तो बैंगलोर में बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो फिर ये कौन है? सोमू अंकल। सोमू अंकल, चलो चलो दूध पियो। पियो ना, मैं तुम्हें गधे की सवारी करवाऊंगा। मुझे नहीं पीना है, मुझे अच्छा नहीं लगता दूध। क्या आपको चॉकलेट अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो आज हमारी बेटी दूध नहीं चॉकलेट पिएगी। ये आपकी कोई बेटी नहीं है? है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। कहाँ है? यही मेरे गोद में बैठी हुई है। मैं तो नेहा हूँ। मेरी बेटी का भी नाम नेहा है। सच? आप रो क्यों रहे हो? पकड़ी गई। मेरी भी मम्मी कभी कभी मुझे प्यार करती है, वो भी रोने लगती है। तुम हो ही ऐसी। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती है। मैम साहब चाय कॉफी लगा दिए, और कुछ चाहिए तो बोलो। थैंक यू रामदुलारे। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। अब हम कल गुड इवनिंग में मिलेंगे, कल हमारा ऑफ है ना। ओके इट्स ऑलराइट। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। नंदिता तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी? कॉफी प्लीज, ब्लैक। ओ आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सोमू से मिलाना तो भूल ही गई। सोमू दिस इज नंदिता। मैं इन्हें ऑलरेडी जानती हूँ। अच्छा कैसे? आप मुझे भी जानती हैं? जी हाँ, नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, सबके बारे में। मैंने एक बात नहीं बताई। क्या बेटा? सोमू अंकल की पोएट्री मुझे समझ में आती ही नहीं। नेहा ये लो नंदिता, कहाँ ठहरी हो? रैडिसन, थैंक यू। बिस्किट? नो थैंक यू। मुझे ऑफर कीजिए ना। आप लीजिए ना। कविता एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मेरी ट्रेन कल सुबह की है, अगर बहुत दिक्कत ना हो तो आज क्या मैं नेहा के साथ? होटल तो जाने नहीं दूंगी, तुम यहीं रुक सकती हो। सवेरे आनंद भी आ रहे हैं, उनसे भी मिलकर चली जाना। थैंक यू। यस, मजा आ गया, मैं आज आपके साथ ही सोऊंगी और आपको स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी। ओके। तुम यहीं से फोन क्यों नहीं कर देती? सवेरे आते हुए सोमू तुम्हारा लगेज चेकआउट कर लेगा, यहीं से स्टेशन चली जाना। श्योर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आंटी चलो ना कंप्यूटर गेम खेलने। हाँ चलो। कितनी अजीब बात है कविता, नेहा नंदिता को जानती तक नहीं, लेकिन कितनी घुल मिल गई है। वो उसकी माँ है सुमो।
यार तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। अगर वो नेहा की माँ है भी तब भी उसे नहीं पता चल सकता कि उसकी बेटी को किसने गोद लिया है। अडॉप्शन के कायदे इस मामले में बहुत सख्त है। भाई मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हें जो कुछ पूछना है उसी से पूछ लेना। मैं भी आता हूँ। क्यों, तू कहाँ जा रहा है? रैडिसन, नंदिता जी का सामान लेने के लिए। वो यहाँ है। जी हाँ, जाइए, आप ही का इंतजार चल रहा है। कविता, कविता। हाँ। हाय। ये सोमू क्या कह रहा है? तुमने उस औरत को घर में क्यों रख लिया? अरे आनंद, तुम एक बार उससे मिलते लो। क्यों मिल लूं? और तुम्हें कैसे पता उसका इरादा क्या है? मुझे तो बहरूपिया लगती है। कहाँ है वो? और नेहा कहाँ है? नेहा। हाय बेटा। हाथ 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 धोलो पहले। माँ। ओ गंदी। अभी बाबा का सूट गंदा हो जाता। चलो मुंह भी धो, हाथ भी धो, तेल लगा। चलो बस, जल्दी भाग के। मिस नंदिता राय। Thank you.
देखो स्कूल का टाइम हो रहा है। नेहा नेहा क्यों रो रही? बालों में तेल ही नहीं लगाने दे रही। बैठो कटवा दो उन्हें। नहीं कटवाने दूंगी, आंटी ने बोला मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। हाँ लीजिए, हो गया आपका चेकआउट। अब निकालिए मेरे कुड़ी गिरी के 20 रुपए 75 पैसे, निकालिए कैश। थैंक यू। इतनी अच्छी स्माइल है आपकी। चलिए 20 रुपए छोड़िए, 75 पैसे निकालिए। चुप करो सोमू, मौका मिला नहीं कि आवारा गर्दी शुरू। जरा नेहा को स्कूल छोड़ देना। नहीं मैं पापा के साथ जाऊंगी। अरे रुको आंटी, आप भी चलो ना। आंटी को स्टेशन जाना है बेटा, आपको तैयार भी होना है। नहीं आप फिर कब आएंगे? और कभी आऊंगी। गुड, फिर तो हम आपके घर जाएंगे। क्या हुआ? अब पापा आएंगे और बोलेंगे अरे मैं तो चाबी भूल गया, और जाएंगे और मम्मी को किस करेंगे और चाबी लेकर आ जाएंगे। पापा अब फिर चाबी भूल गए ना? नहीं बेटा नहीं। बाय। आनंद बहुत अच्छे हैं, नेहा बहुत लकी है। थैंक यू। क्या बात है पापा, आज आप सब कुछ भूल रहे हैं। पापा आपको मालूम है आंटी के पास भी एक नया है, बिल्कुल मेरी जैसी। अच्छा और कौन है? वो तो मैंने नहीं पूछा। आपको आंटी पसंद है? बहुत अच्छी है। पहली एडिशन की किताबें सिर्फ 3 दिन में खत्म हो चुकी हैं, दूसरी एडिशन की प्रिंटिंग शुरू हो गई है। कमाल तुम्हारी कविताओं का नहीं, मेरी प्रेरणा का है। वो तो ठीक है, लेकिन जानती हो मेरी नई बुक का टाइटल क्या है? क्या? माँ। हेलो। प्रोजेक्ट के पेपर्स आ गए सर। थैंक यू नीता। मेरी सुबह की मीटिंग कैंसिल कर देना। ओके सर। मुझे ऑफिस आते देर हो जाएगी। राइट सर। बाय सर। बाय। आनंद जरा फोन पर हो तो पूछ लेना बनारस की ट्रेन टाइम पर है या नहीं, कहीं लेट हो गई ना तो हमारे सोमू साहब प्लेटफॉर्म पे नंदिता को कविता सीधा सुनाकर पागल कर देंगे। क्यों, आपको कविताओं से एलर्जी है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो ऑपरेटर, बनारस की ट्रेन टाइम पे। ओके थैंक यू। ट्रेन 2 घंटे लेट है। एक्सीलेंट, तो फिर मैं आज आपको अपनी ताजी कविता सुना के ही रहूंगा। पहले नाश्ता तो करने दो। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो, पकड़े जाते हो। जब से आए हो मुझे ठीक से देखा भी नहीं। नंदिता को देखकर चिंता में पड़ गए हो क्या? What nonsense? अजीब बात है, कैसे कैसे हादसे हो जाते हैं जिंदगी में, पता नहीं कैसा महसूस करती होगी वो। उसने अपना पता वगैरह बताया? नहीं बताना चाहती, कह रही थी नेहा को यहाँ देखकर बहुत खुश है, दोबारा आना ही नहीं चाहती। हेलो सर, बंसल की आज मीटिंग है। यस नीता। आप आ रहे हैं ना सर? मैंने कहा ना मुझे ऑफिस आने में देर हो जाएगी, वो लोग नहीं इंतजार कर सकते तो कह दो चले जाएं। बट सर आप प्रोजेक्ट। आनंद क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, I'm sorry. थक गए हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मैंने इसको नेहा के साथ घर में रखा? आनंद वो जा रही है और फिर मैं चाहती थी तुम उससे एक बार मिल लो। अच्छा मैं तैयार होकर नीचे आता हूँ, तुम कहो तो
वापस जाते जाते उसे स्टेशन छोड़ दूं? ठीक है, लेकिन उससे कुछ उल्टे सीधे सवाल मत पूछ लेना। पता नहीं क्या गुजर रही है उस पर। इतने इतने दिन दूर रहते हो, मिस करते हो मुझे? झूठे। गुड आइडिया। 2, 3, 4, 5, 6, 9। मेरे ख्याल से आप एक बार फिर फोन कर लीजिए। अगर ट्रेन एक बार लेट हो जाए तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं। कहीं ट्रेन और लेट हो गई तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा सोमू। नो प्रॉब्लम। 32 आप बनारस की ट्रेन प्लीज। सुबह 11:05। वो 2 घंटे लेट थी ना? नो मैम, 32 आप आज तो राइट टाइम में थे, वो तो चली गई। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और भी 2 घंटे लेट हो गई है शायद। कैंसिल भी हो जाए, वंडरफुल। मैं तो कहता हूँ कि आप आज का जाना ही कैंसिल कर दीजिए। ठीक ही तो कह रहा है सोमू, तुम रुक क्यों नहीं जाते? आप लोग कौन हो? आप भी किस फॉर्मेलिटी में पढ़ रही हैं? आपका जाना कैंसिल। मैं आज आपको शहर की सैर करवाऊंगा और शाम को मेरे घर में शेर व शायरी और दावत। बस 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 ना साहब, कम से कम नंदिता से तो पूछ लो वो क्या करना चाहती है। शहर तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अब ठहरी हूँ तो 2-4 किताबें खरीद लूंगी। तो मैं आपको पॉपुलर बुक हाउस ले जाऊंगा, वहां आपको मेरी किताबें मिलेंगी। श्योर। मैं ऑफिस चलता हूं। कुछ भूले नहीं क्या? बाय बाय। क्या इत्तेफाक है, इस एडिशन की पहली कॉपी मैंने कविता को दी थी, ये आखिरी कॉपी बची है, ये आपके नाम करता हूँ। थैंक यू। नहीं सर, एक और भी है। शट अप। ये लीजिए, ये आपके लिए। आपकी अगली किताब कब आ रही है? जल्दी आ रही है। हेलो सर, आपने दिल क्या करे पढ़ी? हाँ सर। कैसी लगी सर? आपकी लव वाली कविता है तो बहुत अच्छी है। एक मेरी नई कविता आ रही है। कौन सी सर? सॉरी, चौंका दिया मैंने आपको। नहीं, मुझे अंदाजा था कि आप मुझे यहाँ जरूर मिलेंगे। बैठिए ना। मैं पूरा हूँ सर। कॉफी? ओके, ब्लैक। यस बिना शक्कर। मेरे लिए भी। यस सर। समझ में नहीं आता बात कहां से शुरू करूं। माफ कीजिए, वो मैंने ट्रेन के बारे में झूठ बोला। दरअसल जब से आपको देखा है मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं। और मैं खुद आपसे बात करना चाहती थी। ये बच्ची नेहा? हाँ, हमारी है। तुमने कभी तुम्हारी? नहीं, मैं शादी नहीं कर पाई। अरे आनंद, तू और यहाँ? गुजर रहा था तो सोचा तेरी बुक खरीद लूं, ताकि तुझे भी लगे कि सेल अच्छी हो रही है, और यहाँ ये मिल गई। तू कहाँ और बुकशॉप कहाँ? अगर मैं तुझे जानता नहीं ना तो फौरन शक करता कि दाल में कुछ काला है। जिस तरह से तू रिएक्ट कर रहा है, दाल में काला तो मुझे दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बार दाल से भी पूछ लीजिए कि काला है कि नहीं। ये देखिए सर, ओरिजिनल प्लान का है। दिस इज द प्लान, दिखाइए। यस सर। इतनी बड़ी बिल्डिंग में आपने सिर्फ 4 लिफ्टों की जगह रखी है, हमारे डिजाइन में 6 है। बीम की चौड़ाई भी कम है
और फिर आपने साइट का एलिवेशन भी चेंज किया है। मिस्टर कपूर, दिस इज नॉट राइट। आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा। मैंने तो पहले ही मना किया था। हेलो सर, कल शाम की फ्लाइट कंफर्म हो गई है। फ्लाइट कहाँ की? कलकत्ता सर, कल बंसल के साथ आपकी मीटिंग है। अच्छा सुनो, कैंसिल कर दो। आर यू श्योर सर? आपने तो कहा था ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट कैंसिल इट। ओके सर। अगले हफ्ते की रख लो। हेलो हेलो, गॉड, हेलो हेलो, इडियट, फोन करते हैं और बोलते भी नहीं। नंदिता जी, जरा प्लीज देखना कौन है। हेलो नंदिता, मैं पुराने किले के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कौन था? कोई बोला ही नहीं। क्यों गई? डर लगता है। क्यों? पता नहीं। चल मित्रा हुन ओथे चलिए, जिथे होर ना कोई होवे, सानू वेख के कोई हसे ना, सानू वेख के कोई रोवे। तेज सजाए फूलों की और हम कांटों पे सोए, इश्क दरिया नाव मुसाफिर सब डुबोए। इस दरिया को जो मैनू लगन लगी पनघट से ऐसे धुआं उठा पानी में जैसे अग्नि लगी।
आ गए सब? यस सर। गुड, चलो बेवकूफो बोर्ड रूम में। टू मच यार। अरे यार, कम से कम संडे को तो छोड़ दिया होता। हाँ यार, जरूर छोड़ देता अगर तुम बाकी 6 दिन काम करते तब। ना कोई छुट्टी ना कोई संडे, ऊपर से नई नई शादी। मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। दूसरी करा दूंगा, रिपोर्ट कनाल को दो। हाँ, वो जरा समय का बाकी है तो अभी करो, शाम को कुरियर से भेजना है। या श्योर। हाँ कविता। सुनो, मैं मार्केट से बोल रही हूँ। अच्छा, और कौन आ रहा है सोमू के यहाँ? लैब एरिया साइट पर होगा, इस जगह। उनका फैक्स आया है कि पीछे होना चाहिए, यहाँ। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। वेज बना रही हूँ, नॉन वेज भी बनाऊँ क्या? मैं तो कहता हूँ इतनी खूबसूरत बिल्डिंग के बीच कुछ अट्रैक्टिव होने चाहिए, इतने सिंपल नहीं होने चाहिए। हेलो। अब तुम एक काम करो, तुम सोमू से पूछो। सोमू? और तुम विंग्स के बारे में सोचो। हेलो। किसके बारे में सोचे? कौन बोल रहा है? साहब, मैं राम दुलारे बोल रहा हूँ। आज सोमू साहब के यहाँ पार्टी है ना, इसलिए शॉपिंग करने आया हूँ। तो हम लोग यहाँ कंक्रीट स्लैब डालने के पत्थर। आप सुन रहे हैं ना साहब, आज मार्केट अच्छा नहीं है मार्केट में। अरे यार, पत्थर ही इस्तेमाल कर लो ना। पत्थर? लेकिन साहब, पत्थर फ्राई कैसे करेंगे? प्रॉब्लम पूरा दिन लगने वाला है, मेरी वाइफ तो जरूर तलाक दे देगी। एक्सक्यूज मी सर, घर से फोन है आपके लिए। हेलो पापा, आज शाम को मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? आनंद, रिसेप्शन एरिया में मार्बल सूट नहीं कर रहा है। बेटा, तुम वो पिंक वाला ड्रेस पहन लो, अच्छा लगेगा। मेरे विचार से लाइमस्टोन बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास चार चार पिंक ड्रेस है, उसमें से कौन सा पहनूं? बोलो ना, कौन सा पिंक ड्रेस? अरे बोलो ना यार, मार्बल या लाइमस्टोन? साहब पहले ये बताइए, मैं मटन बनाऊं या चिकन? पापा, कौन सा वाला पिंक ड्रेस? बताइए। इतना टाइम लग रहा है, मेरा तो तलाक पक्का है यार। शट अप, शट अप एवरीबॉडी। वो साला टाका साको टोक्यो से आकर बैंगलोर में मेरी रिपोर्ट का वेट कर रहा है और मैं यहाँ चिकन मटन का हिसाब कर रहा हूँ। शिट। नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, नहीं। बिल्कुल ठीक कहा नंदिता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप जब तक आजाद हैं, अकेले हैं, तभी तक खुश हैं। अंगूर खट्टे होते हैं मिस्टर, एक बार शादी हो जाए फिर बात करना। वैसे नंदिता, पर्सनल ना लो तो एक बात पूछूं, तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? बस यूं ही, कुछ हालात, कुछ संजोग। फिर भी आसान तो नहीं होता एक औरत के लिए, कभी कोशिश नहीं की? की तो थी, लेकिन जब भी आगे बढ़ी किसी की याद ने हाथ थाम लिया। मुझे तो लगता है कुछ छुपा रही हैं आप। कुछ मजबूरी भी तो हो सकती है। यही तो मुश्किल है, मजबूरियों का सिला तो बस औरत को ही ढोना पड़ता है। अब उस आदमी ने थोड़ी सोचा होगा नंदिता पर क्या गुजरेगी। नंदिता,
तुम कभी मिली नहीं उस आदमी से? मिली तो हूँ। फिर क्या कहा उसने? मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं। क्यों? उसकी अपनी एक सुंदर सी दुनिया है जिसमें वो बहुत खुश है, और उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वही पुरानी कहानी, मर्द होते ही ऐसे हैं, गैर जिम्मेवार। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस आदमी से गलती हो गई हो और उसे सुधारने का मौका ना मिला हो। मौका मिले तो भी कुछ नहीं करेगा वो। तुम ही बताओ, अगर कोई औरत 5 साल के बच्चे को लेकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, कहे ये तुम्हारे संबंध की निशानी, तो तुम क्या करोगे? अपने बीवी बच्चे को निकाल कर उसे घर में बिठा लोगे? संबंध बनाना आसान होता है आनंद, उसे पालना मुश्किल। लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ बस अनजाने में हो गया। अनजाने में बच्चा पैदा नहीं होता नंदिता। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तो कभी नहीं माफ कर पाती ऐसे आदमी को। अच्छा बाबा, मत माफ करना। अब बोलो, आइसक्रीम कौन सी चलेगी? चॉकलेट। मुझे तो नहीं। मैं खाऊंगी पापा का हिस्सा। हाँ हाँ, खा लेना। अरे सोमू, तुमने नंदिता को अपनी पेंटिंग्स की कलेक्शन तो दिखाई नहीं। आपकी भाषणबाजी से फुर्सत मिले तब ना। आइए, चॉकलेट खाओगी आइसक्रीम खाओगी? ये 200 साल पुरानी पेंटिंग है। इसका रंग, इसकी मुस्कुराहट, इसकी आंखें, जो दर्द इसकी आंखों में है वो मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखा है। क्या मैं आपको 200 साल पुरानी दिखाई देती हूँ? मेरा मतलब, अच्छा बताइए, आपको मेरी कविता कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी है आनंद, बहुत किस्मत वाले हैं। पापा बाहर चलो ना, मुझे स्टार्स देखने। चलो, वाइप करो प्लीज। कौन कौन से स्टार्स देखोगी? रेड वाले, फिर येलो, फिर ग्रीन। बोलो ना क्या हुआ? उसने मेरी पेंटिंग्स देखी। और मैंने उसे अपनी कविता पढ़ा दी। और समझ गई मैं, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अरे मजा आ रहा है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं सोमू, तुम तो घोंचू की घोंचू ही रहोगे। सोमू तुम्हारा क्या होगा? कमाल करती हो कविता तुम भी। क्या चाहती हो, हाथ मिलाऊं और कहूं हेलो कैसी हैं आप, शादी करेंगे मुझसे? सोमू, ऐसी अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलने वाली। डोंट वरी, अच्छी लड़कियों को मिस करने का रिकॉर्ड है मेरा। सोमू मैं मजाक नहीं कर रही। नेहा को देखो कितनी खुश नजर आ रही है। शादी कर लो नंदिता से, सुखी रहोगे। नेहा। यस मामा। बेटा अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। जल्दी 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 भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के। सोचती हूँ कल सुबह की ट्रेन से वापस चली जाऊँ। मेरा मतलब कुछ दिन और नहीं रुक सकती? जितनी देर रुकूंगी जाना उतना ही कठिन होगा। चले जाने से सब आसान हो जाएगा क्या? पिछली बार भी बिना कुछ बोले चली गई थी, इस बार जल्दी मत करना। Mm-hmm.
आनंद, ये नई वाली ड्राइंग्स देखी तुमने? अरे आनंद, are you all right? क्यों? क्या हुआ? नहीं, वो तुम्हें अमेरिका हाउस की ड्राइंग्स देखनी थी, और तुम ये वीडियो सिटी की बिल्डिंग लिए बैठे हो। अरे ये प्रोजेक्ट तो आधी से ज्यादा कंप्लीट है यार। सॉरी यार, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। एनीवे, ये ड्राइंग्स देख लेना, 4 बजे अंबानी के लोग आ रहे हैं। यार वो अब मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। क्यों, क्या हो गया? are you all right? नहीं बस ऐसे ही। सुनो, वो नंदिता को अंदर भेज देना। नंदिता? आई मीन माय सेक्रेटरी नीता। नंदिता? नेहा, मेरी तरफ नहीं। नेहा, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगी ना, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगी ना। देखो नेहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा। कैसा चोर? मैं तो खेल में ही नहीं था। चोर तो चोरी होता है जब भी पकड़ा जाए। ओह माय गॉड, आप लोग अभी तक चोर सिपाही खेल रहे हैं? पार्टी में नहीं जाना क्या? कैसी पार्टी? कमाल करते हो, भूल गए क्या जोधपुर पैलेस की सालाना पार्टी? वाओ, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं सोमू अंकल? बेटी, आप वहाँ नहीं जा सकती, पार्टी सिर्फ बड़ों के लिए। छी, बड़े कितने बुरे होते, बच्चों को क्यों नहीं बुलाते हैं? आप लोग जाइए, मैं नेहा के साथ रह जाती हूँ। हाँ, हम दोनों कैरम खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों? पार्टी सिर्फ कपल्स के लिए है, तुम और कविता चली जाओ, मैं भी नेहा के साथ बैठ के कैरम खेलूंगा। इफ यू डोंट माइंड, तुम और कविता चले जाओ, मेरे सर में जरा दर्द है। तुम्हारे सर में दर्द है? मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बस। ओह माय गॉड, हो गई पार्टी, अब तो कोई भी नहीं जाएगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मैं तैयार हूँ, देखते हैं आपकी पार्टी कैसी होती है।
आइए इस तरफ। वेलकम वेलकम, बड़ी देर कर दी, ज्वाइन द पार्टी। प्लीज सिट डाउन। ऐसे नहीं चलेगा, ज्वाइन द बॉल प्लीज कम आई। क्या बात है, आज तुम बड़े मूड में डांस कर रहे थे। हाँ? याद है तुमने ऐसा डांस पहले कब किया था, बैंकॉक में जब हम हनीमून पर थे। अच्छा डांस कर दिया नंदिता, मैं तो बस साथ दे रहा था। मुझसे अच्छा नहीं कर सकती। अच्छा
थक गए हो? दो दो लड़कियों के साथ डांस करोगे तो ऐसा ही होगा। नंदिता अच्छी है, सुमो के लिए कैसी रहेगी? इंटरेस्टेड है वो? तुम कहो तो बात करूं मैं। कुछ ज्यादा है ना नंदिता? जी। तुम क्यों दूर भागती रहती हो मुझसे? उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया मैं। न जाने किस बेहोशी में क्या कुछ कर बैठा, कैसे कैसे ख्याल आते रहे मन में कि जिसकी रक्षा की उसी के साथ। प्लीज ऐसा मत कहिए, जो कुछ भी हुआ उसकी मैं भी उतनी ही जिम्मेदार थी। जानती हो, मैं जब भी मुगलसराय स्टेशन से गुजरा प्लेटफॉर्म की भीड़ में तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, तुम बिना कुछ बोले क्यों चली गई? जानती कि ऐसा कुछ होगा तो बिना बात किए नहीं जाती। उस रात ऐसा लगा कि एक साथ कई जीवन जी लिए मैंने, अब तक यकीन नहीं आता कि वो सच था या सपना। कई बार दिल में आया कि तुम्हें उठाऊं, तुमसे बातें करूं, लेकिन डर लगता था कहीं मेरा सपना टूट ना जाए। स्टेशन पर गाड़ी लगते ही मैं चुपचाप तुम्हारी यादों को समेटे उतर गई। पूरे एक साल बाद घर लौट रही थी मैं, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी। बाबूजी बहुत खुश थे, बनारसी जरी का अच्छा कारोबार था हमारा। अरे लाखों में क्या हमारी बिटिया, माँ बाप दोनों का प्यार दिया हमने इसे। श्यामलाल जी खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनके घर हमारी बिटिया जाएगी। भाई कुंडली में तो कोई बाधा नहीं। हमारा राहुल इसी महीने लंदन से आ रहा है, हम कहते हैं ब्याह का दिन पक्का करो जी। माघ पंचमी का उत्तम लगन है। अचानक पैरों के नीचे धरती खिसकने लगी। अक्सर दिल करता कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तलाश में निकल पड़ूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर लगता कि अगर तुम मिल भी गए तो क्या कहूंगी तुमसे, कहीं तुमने मेरा विश्वास नहीं किया तो। अरे काक के मिल रह गया था हमारे प्यार में बेटी, जो हमको ही सजा दिए तुम।
अरे बोलती कहे नहीं कि कौन है इस पाप का जिम्मेदार? बोल बेटी बोल, हम उसका पांव पकड़कर तुमको अपना लेने का भीख मांग लूं, बोल। मैं नहीं जानती बहुजी, मैं सचमुच नहीं जानती। तुम हमको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। ठीक ही तो कह रहे हैं बेटी, अगर तू उसका नाम भी नहीं जानती तो काहे से अपने पेट में पाल रही है? देख पहाड़ जैसा जीवन है तेरा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सुध ले। देखिए एबॉर्शन का परमिशन मैं कभी नहीं दूंगी, सारे टेस्ट और एग्जामिनेशंस के बाद कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। आई एम सॉरी माई डियर, इसका जन्म सिर्फ ईश्वर ही रोक सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। बस अब एक ही रास्ता बाकी रह गया। अजीब हालात थे, इधर नेहा पेट में बढ़ती रही और मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही हर पल। कहाँ थे तुम, मेरे साथ क्यों नहीं थे तुम? न जाने क्यों आस लगी रहती थी कि पता नहीं कहीं से भी अचानक एक दिन आ जाओगे शायद। नहीं नहीं नंदिता, नंदिता हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। नहीं नहीं हाँ बस बेटी है, दिखाओ ना वो, दिखाओ ना कैसी है वो। नहीं गंगा, कह दो उससे वादा किया था बच्चे का मुंह नहीं देखेगी। गाड़ी तैयार है, तुम दिल्ली से सीधा बनारस चले आना। अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाई मैं। बाऊजी ने फिर से मेरी शादी करने की कोशिश की, अमेरिका में सेटल हुए तो बच्चों के बाप के साथ बात पक्की भी हो गई, लेकिन मैं अपने आप को मना नहीं सकी। ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, 5 साल से वहीं थी कि अचानक बाऊजी के मरने की खबर मिली। वापस लौटी तो बहुत से रहा नहीं गया, उसी ने मुझे नेहा के अनाथ आश्रम का पता बताया। बड़ी मुश्किल से मैंने उस अनाथ आश्रम के क्लर्क का दिल जीता और उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया। इतना सब कुछ तुम अकेले ही? अकेली कहाँ थी मैं, तुम तो मेरे साथ हमेशा थे। और ईश्वर का खेल देखो, जब मैं नेहा से बिछड़ गई तो तुम उसे मिल गए। फिर भी बहुत कुछ सहा है तुमने और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। अब और क्या चाहिए मुझे, सच अब मैं सुख से लौट सकती हूँ। मैं कविता को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत करना, हमारे तुम्हारे रिश्ते को कोई समझ नहीं सकता, खास करके एक पत्नी अपने पति को बांट नहीं सकती। कविता एक अच्छी पत्नी है और माँ भी, मैं उसे दुख नहीं देना चाहती। नंदिता मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारी जगह मिलनी चाहिए। Thank you.
तुम? What the hell is happening? कर क्या रहे थे तुम? Please cool down. मैं सब कुछ बताता हूँ. क्या बताओगी तुम? हाँ? तुम कर क्या रहे थे उस औरत के साथ? कविता, please सुनो. तुम सोच भी नहीं सकती कितना दुख सहारना देता ने. Oh, तो तुम उस औरत को अपनी बाहों में लेकर उसका दुख तक चूम रहे थे? मैं सब कुछ भी नहीं कर रहा था. कविता तुम समझ. Do you think I'm blind? अंधे हूँ मैं? बेवकूफ हूँ कि इतने दिन से देख नहीं सकती थी. बहुत अच्छा डांस करती है वो. और तुम सारी दुनिया के सामने उसके साथ. ओ आनंद यू पैथेटिक. कविता प्लीज. नथिंग डूइंग. तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी. पहले तो उस औरत को घर से निकालती हूँ. आई वांट दैट बिच आउट ऑफ दिस हाउस. नंदिता चली जाएगी लेकिन इस तरह नहीं. तो किस तरह? इज्जत के साथ. इसलिए कि वो नेहा की माँ है? और इसलिए भी कि मैं नेहा का बाप हूं. What? तुम्हारा मतलब 6 साल से संबंध रखे तुमने उस औरत के साथ? विश्वास करो कविता, हम इस बीच कभी नहीं मिले. ओ शट अप आनंद, बहुत हो गया, बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं. कविता प्लीज. ओ शट अप. यू? मेरे बेडरूम में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गेट आउट. मम्मी, मम्मी बहुत बुरा सपना देखा. प्लीज मैं आपके साथ सो. प्लीज मैं आपके साथ सो. मम्मी प्लीज. हाँ कर दो मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है. मम्मी बहुत बुरा सपना देखा. मैं प्लीज आपके साथ सो. प्लीज मैं आपके साथ सो. This is it. बहुत हो चुका. वो तो इस घर से जाएगी नहीं, मैं ही चली जाती हूँ. क्या कर रही हो कविता? समझने की कोशिश करो. वो एक भूल थी जो हो गई. प्लीज जान, हम सॉरी. प्लीज कविता सुनो तो. कविता, कविता, कविता क्या हुआ? आनंद सोनू से. सोनू प्लीज चलो. पर आनंद क्या हुआ? कविता, कविता रुको. कविता रुको तो. कविता मेरी बात तो सुनो. बात क्या है कविता? आखिर हुआ क्या? कविता इस वक्त वो. Oh, tell him to go to hell. सोमू फोन दो उसको प्लीज.
कविता बात तो कर लो। बात तो मेरा वकील करेगा। यस मिस्टर आनंद किशोर, अब और क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जान, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जो चाहे सजा दो लेकिन। शट अप, बंद करो ये फिल्मी डायलॉग। बहुत बेवकूफ बन चुकी मैं। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। नेहा तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ओह, तो अब तुम मुझे उस घर में आया की जगह दोगे? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुमसे बातें नहीं करना चाहती। जाना चाहती हो? मेरे रुकने से कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा। कविता की बातों का बुरा मत मानना। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी शायद। उसे जल्दी बुला लेना। क्या बोल रही है? तुझे पक्का यकीन है आनंद वही आदमी है? कैसे भूल सकती हूँ उनको बुआ। और वो नेहा, मिली उसको? कैसी दिखती है वो? बहुत बहुत सुंदर है बुआ। मुझे तो आज भी याद है, उसकी आंखें बिल्कुल तेरी जैसी थी। लेकिन बाकी सब आनंद पे गया है। इन 3-4 दिनों में सारी जीवन भर की खुशियां मिल गई बुआ। सुबह घर छोड़ने लगी तो ऐसे लगा पांव पत्थर हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उसे उठाने की। बहुत मन हुआ बुआ कि बस एक आखिरी बार उसे गले से लगाकर झूम लूं, लेकिन डर लगता था कहीं उसकी आंखें खुल गई तो क्या जवाब दूंगी। और बस एक नजर देखकर चुपके से निकल पड़ी। आनंद ने रोका नहीं तुझे? कुछ बोला नहीं उसने। क्या बोलते वो? मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। मगर तेरा दुख? अब काहे का दुख हुआ? सब कुछ तो पा लिया मैंने। एक फूल सी बेटी, एक देवता समान आदमी। बहुत खुश है वो। किसे भुलावा दे रही है तू? सब कुछ पाकर भी तेरा क्या हुआ बुआ? देख, तकदीर ने तुझे उस तक पहुंचाया है, अब उसे छोड़ना मत। ना दोबारा तुझे मौका मिलेगा, ना तेरी बेटी, ना ही वो आदमी। कैसी बातें कर रही हो बुआ? उनकी अच्छी भली जिंदगी में मेरी वजह से आग लग गई है बुआ। मैं लेकिन अगर वो औरत वापस ना आई तो? अगर नेहा को आपको प्यार ना करे तो? हमारी बेटी तो बिन माँ की हो जाएगी ना। आनंद अकेला क्या करेगा बुआ? मैं शाम की ट्रेन से वापस आ रही हूँ। ये सब गलती मेरी है। तेरे बाप की ना सुनी होती तो आज तेरी गोद में खेलती होती नेहा। ये कैसा पाप हो गया मुझसे। मत कोसो अपने आप को बुआ, शायद मेरी ही तकदीर। बस एक बार देख लेती नेहा को। मम्मी को बुलाओ, मेरी मांग है। साहब मैं कुछ मदद करूं? साहब बिल्कुल नहीं। नो प्रॉब्लम। आज नेहा को उसके पापा तैयार करेंगे। तो ठीक है। वो तो ठीक है, मगर आपको कौन तैयार करेगा? मैं खुद तैयार हो जाऊंगा। अच्छा, आपको मालूम भी है कि आपके सॉक्स कहाँ है? सब मालूम है। ये क्या? यूनिफॉर्म। अच्छा, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। तो आज पीटी डे होगा ना? मैं कुछ मदद करूँ साहब? तुम बेबी को ड्रेस पहनाओ, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। नो प्रॉब्लम।
पापा मैं गरम नहीं ठंडा दूध पीती हूँ। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो मदद करो। साहब प्रॉब्लम क्या है ये? आपने जल्दी में गलत सॉक्स पहने। आप मम्मी को ही बुलाओ, आपको तो कुछ नहीं मालूम। हाँ मैम साहब को बुलाओ फिर नो प्रॉब्लम। शट अप, सब मालूम है मुझे। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्या यार बजाओ ना। पापा मम्मी ने आपसे फाइट की ना? कब? नहीं तो? झूठ मत बोलो पापा, पकड़े जाते हो। ओके बाबा, बहुत गुस्से में थी वो। आपने सॉरी नहीं बोला? मम्मी सॉरी बोलने से पहले ही चली गई बेटा। मम्मी गुस्से में क्यों थी? आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा ना पापा, समझा के तो देखो। मम्मी को पता चल गया कि नंदिता आंटी आपकी मम्मी है। आंटी मम्मी है? तो मम्मी मम्मी नहीं है? मम्मी आपकी दूसरी मम्मी है। तो आंटी पहली मम्मी है? तो फिर आंटी क्यों चली गई? पता नहीं बेटा। आएंगी ना? Bye, बेटा, I love you two, three, four. मैम साहब आपका फोन। हेलो कविता, प्लीज कविता मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कविता कविता मेरी बात, छोटू। हाँ जी। एक गरम चाय का प्याला लाना जल्दी। अभी लाए जी। कितने दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप निकली है, कहीं बाहर चलते हैं, चलें? सोमू मैं अचानक इस तरह तुम्हारे घर चली आई, मैं तुम पर किसी तरह का बोझ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती। बस हो गया, और कुछ कहना है आपको? व्हाट आई मीन टू से सोमू, आप मुझसे एक वादा कीजिए कविता जी, कि आप मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखेंगे और बहुत खुश रहने की कोशिश करें। मैं तो सारी जिंदगी अपनी आंखें बिछाए बैठा रहा कि किसी ना किसी दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हें खुश कर सकूंगा। नो नो नो, आप एक और प्रॉमिस कीजिए कि आप अब रोएंगे नहीं। वैसे आपकी भीगी हुई आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, सच इनकी जो गहराई है ना। सोमू। ओह माय गॉड, मैं फिर से कविता करने बैठ गया, क्या करूं, तुम हो ही ऐसी। ओके ओके, मैं जरा अपने प्रेस तक होके आता हूँ, फिर कहीं बाहर चलें। ओके ठीक है। घोड़े में से घंटी बजी, फोन की घंटी। चल मेरे गॉड है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, चल मेरे गॉड है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो, हम राम दुलारे सिन्हा बोल रहे हैं, घर में साहब मेम साहब और नेहा बेटिया तीनों भी नहीं है, बस हम ही हैं। कैसे हो राम दुलारे? नो प्रॉब्लम मेम साहब, आप मेम साहब, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ। जब से आप गई है साहब ने अपना काम डबल कर दिया है, हमको हेल्प करने देते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब नेहा बिटिया को खुद तैयार करते, ब्रेकफास्ट खुद बनाते, हमें किचन के बाहर खड़ा कर देते। क्यों? वो नंदिता हेल्प नहीं करती? वो तो कभी की चली गई। चली गई? हाँ, सामान उमान लेके, टैक्सी हम लाए थे। अच्छा सुनो, साहब का फोन आए तो मत बोलना हमने फोन किया था। नो प्रॉब्लम, नेहा बिटिया को बोलू, उससे मैं खुद बात कर लूंगी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं नहीं मानता, दो मम्मी किसी की भी नहीं हो सकती। मेरे पास
बोलते, वो बता रहे थे जो मेरी पहली मम्मी है वो मेरी दूसरी मम्मी है, और जो दूसरी मम्मी है वो पहली मम्मी है। पहली मम्मी पहले नहीं मिली थी, दूसरी मम्मी पहले मिल गई, इसीलिए वो मेरी पहली मम्मी हो गई। आया समझ में? नहीं आया। ओ गॉड, ये कितना बुद्धि है। अभी तक तो ड्रॉइंग्स ही मेरे हाथ में नहीं आई हैं। मैं एस्टिमेट क्या खाक बनाऊंगा? कम ऑन बलसारा, ये देखो यार, सारी डिटेल्स तो यहाँ पे हैं। सॉरी फोक्स, मैं तो चला। अरे यार, तुम वापस तो आ रहे हो ना, शाम तक एस्टिमेट भेजना है। नो बे, 4 बजे के बाद बेटी की ड्यूटी। सोमू, सोमू, हाँ सोमू, सोमू जल्दी चलो, नेहा का स्कूल छूटने का वक्त हो गया। पता नहीं आनंद को याद रहेगा भी नहीं, नेहा तो स्कूल में वेट करती करती परेशान हो जाएगी। चलो जल्दी चलो। सॉरी, ट्रेन 3 घंटे लेट थी, इसलिए सोचा नेहा को बाय बोल दूं। सवेरे उसे सोता छोड़ाई थी ना। इट्स परफेक्टली ऑल राइट, अच्छा किया चली आई। थैंक्स, आपको बुरा तो नहीं लगा? कैसी बातें कर रही हो, नेहा तुम्हारी भी तो बेटी है, उसे जब चाहो मिल सकती हो। और तुमसे? ये तुम्हारी दूसरी मम्मी है क्या? ओ गॉड, ये मेरी ना पहली मम्मी है, दूसरी मम्मी तो सोमू अंकल के यहाँ गई है। तुमने बता दिया उसे? एक सच छुपाया तो बीवी छोड़कर चली गई, दूसरा छुपाऊंगा तो बेटी खो दूंगा। आप कहाँ गई थी आंटी मम्मी? कहीं नहीं बेटा, फिर घर चला ना। बेटा, इनकी ट्रेन का वक्त हो गया। मगर आपने तो पक्का प्रॉमिस किया था ना कि हम अप्पू घर जाएंगे। बेटा मैं ले चलूंगा तुम्हें। आंटी मम्मी मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? नेहा जिद नहीं करते, पापा पक्का प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते। अगर रुक सकती हो तो रुक जाओ, कल चली जाना। आनंद ठीक नहीं कर रहा है कविता, मैं उससे बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है सोमू, आई कैन टेक केयर ऑफ माई लाइफ। लेकिन मैं तो सिर्फ मदद। मैंने कहा ना सोमू, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। सॉरी सोमू, मुझे आने में जरा देर हो गई। हाँ, आजकल आप बहुत बिजी रहते हैं। बोलो क्या बात है? कविता कैसी है? Fantastic, top of the world. Come on सोमू, have a heart. मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो फोन पर भी नहीं आती। शायद वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हो।
तो उसे समझाओ ना, नेहा उसे बहुत मिस करती है। तो तुम नेहा को उसके पास क्यों नहीं भेज देते? Are you mad, Somu? मैं कैसे रहूंगा? क्यों? तुम्हारे पास तो क्या मतलब? Come on यार, एक साथ कितने नाव में पांव रखोगे? Somu, नंदिता के बारे में इस तरह बात कर, मैं तो क्या आनंद, सारी दुनिया बात कर रही है। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, नंदिता जवान है, खूबसूरत है और तुम्हारे बच्चे की माँ है। Enough, Somu. ओके ओके, मैं कविता से बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होगा। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, कविता मेरा इंतजार कर रही होगी। Yeah.
हेलो मम्मी, कितनी देर से फोन उठाया? सॉरी बेटा, मैं पीछे गार्डन में थी ना। आप घर क्यों नहीं आते हैं? बेटा वो आप अभी भी पापा से गुस्सा हो? पापा ने आपको सॉरी नहीं बोला? बेटा आज आप स्कूल नहीं गए? गई तो थी, पापा ने फिर रॉन्ग ड्रेस पहना दिया। आपको स्कूल से कौन लेकर आया? रामू काका। मम्मी आपको पता है हम अप्पू घर गए थे, बहुत मजा आया। राइट, ये आइसक्रीम खाई। पर मम्मी आई मिस यू। नेहा बेटा, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है। मम्मी। हाँ बेटा। पापा ने बोला नंदिता आंटी मेरी पहली मम्मी है। पर मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ बेटा, तू मेरी बेटी है। तो आप मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी। आप नहीं आओगे तो मैं रामू काका के साथ आ जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं आऊंगी। गुड, फिर हम है ना अप्पू घर जाएंगे। खूब मजा करेंगे। हाँ मजा करेंगे। जल्दी आना। हाँ बेटा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बाय बाय बेटा। चिंता की कोई बात नहीं है सोमदत्त जी, मैं डिवोर्स स्पेशलिस्ट हूँ और ये मेरा सेंचुरी केस है। अभी तक मैं 99 कपल्स की जोड़ी तोड़ चुका हूँ। फैंटास्टिक, आप इसी तरह से कोर्ट में आ जाइए, जज आपकी शक्ल देखकर ही आपको डिग्री दे देगा। कोर्ट? मैं समझी नहीं। कविता, ये वकील मेघानी साहब हैं, इन्होंने सब पेपर्स तैयार कर लिए हैं। कैसे पेपर्स? ये आपके केस पेपर्स हैं मैडम। हमने चार्ज लगाया है मेंटल टॉर्चर, धोखेबाजी और पराई औरत के साथ संबंध। अरे जज पहली हियरिंग में तलाक दे देगा। तलाक? ऑफ कोर्स, मिस्टर आनंद किशोर की तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेघानी साहब ने नेहा की कस्टडी का क्लेम तुम्हारे फेवर में किया है, वो अब तुम्हारे पास ही रहेगी। एक मिनट, सुमू हो क्या रहा है? मैं अचानक कैसे फैसला कर सकती हूँ? अरे वाह, ये तो वही बात हुई, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। कविता क्या कह रही हो तुम? कल सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद तुम फिर भी? कविता कल ही तो तुमने आनंद को छोड़ने की बात की थी। बात की थी सुमू, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोचना चाहती हूँ। अब सोचने को बचा ही क्या है कविता? तुम क्या उम्मीद लेके बैठी हो कि आनंद तुम्हें घर बुलाएगा और अपनी बीवी की जगह देगा? आखिर कहाँ गया तुम्हारा आत्मसम्मान, और कितना सहोगी तुम? प्लीज सुनो, आई नीड टाइम, और वक्त चाहिए मुझे। ओके निगानी साहब जी, आप पेपर्स यहीं छोड़ जाइए। मम्मी ने आपको सॉरी बोला? नहीं। आपने फोन किया था? आपने उनसे बात की थी? बेटा वो फोन पे नहीं आती, मैं बात कैसे करूं? मैं अभी बात कराती हूँ। हेलो। हेलो, मे आई स्पीक टू मिसेस कविता आनंद किशोर प्लीज? मैं मिस नेहा किशोर बोल रही हूँ। नेहा, तुम घर क्यों नहीं आती मम्मी? ये बात तुम अपने पापा से पूछो। अच्छा, पापा अगर तुम्हें सॉरी बोल दे तो आ जाओगी? नहीं बोलेंगे वो बेटा। वो बोलेंगे? पापा बात कीजिए ना। मम्मी ना मत करना। अरे पापा बोलो ना। कविता, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी ने फोन रख दिया? मम्मी बहुत बुरी हो गई है। नहीं बेटा, बुरा मैं हूं, मैं उनके पास जाके माफी मांगूंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। नमस्ते। कविता मैम साहब घर में हैं? हाँ जी हैं।
क्या है ये? वही जो तुम देख रहे हो। कविता को किसने दिया ये आइडिया? कविता कोई दूध पीती बच्ची नहीं है आनंद, वो खुद अपने बारे में भी सोच सकती है, और ठीक ही तो सोच रही है वो। आखिर कितना बर्दाश्त करेगी वो तुमको? ओ, तो ये तुम्हारी सलाह थी। मैं जानता था कि किस तरह के दोस्त निकलोगे तुम। उसकी चोट पर मरहम लगाने के बजाय उसके खाबों को कुरेद रहे थे तुम। यू बास्टर्ड, तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ए, गिरा हुआ किसको बोल रहे हो? गिरे हुए तो तुम हो, तुम। शट अप। कविता और मेरे बीच कुछ भी हो, अगर तुम स्टॉप इट आनंद, जस्ट स्टॉप इट। शी इज माय वाइफ, बीवी है मेरी, याद रखना। कैसी बीवी? व्हाट आर यू टॉकिंग? तुमने मुझे बीवी कहलाने लायक छोड़ा भी है क्या? हाँ हाँ ठीक है, मुझसे गलती हुई, गुनाह हो गया, तो क्या करूं बोलो? फांसी लगा लूं या सूली चढ़ जाऊं? ये सजा है ये? इस पर दस्तखत कर देने से मिल जाएगी तुम्हारी आत्मा को शांति? तुमने जो कुछ किया उससे तुमको तो मिल गई ना शांति? लवर, बीवी, बच्चे, सब कुछ। कैसी बातें कर रही हो कविता? इनफ, अपना ये ड्रामा बंद करो मिस आनंद किशोर। जो तुमने कविता के साथ किया है उसके बाद क्या उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें फूल भेजेगी थैंक यू का नोट लगा के? ये तेरी हरकत है, तू नहीं उकसाया कविता को। कॉलेज से लेकर आज तक तू ये नहीं भूला कि कविता ने मेरे लिए तुझे छोड़ दिया, और आज जब मौका मिला तो। लेकिन याद रख, कविता मेरी बीवी है और मैं कतई उसे तलाक नहीं दूंगा। देखता हूं तू क्या कर लेता। सोमू कुछ नहीं करेगा आनंद, जो कुछ भी करना है मैं करूंगी। तो कह रहा हूं रुपया, डिवोर्स चाहती है वो। शादी तो जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल है। अरे हमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, कस्में खाई हैं, और सबसे बढ़कर एक दूसरे से प्यार किया है। हाउ कैन शी जस्ट ब्रेक इट? किसी दिन एक गलती हो जाए और बस सब कुछ खत्म। अरे तिल तिल जोड़कर एक रिश्ते की बुनियाद रखी है, इतने सालों हर पल एक साथ जिए हैं मरे हैं, वो सब बस यूं ही। आई लव नंदिता एंड शी लव्स मी। कैसे कैसे बात कर सकती हो मुझे छोड़ देने की? सोच कैसे सकती है कि मेरे बिना रह लेगी? मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्या कम किया मेरे लिए? अपना करियर, अपने एंबिशंस, अपने बाप को छोड़कर आई है वो, इतनी सब कुर्बानियां, एक गलती से सारा प्यार खत्म। तुम समझ नहीं सकती नंदिता, जब कोई प्यार करने वाला हो तो जिंदगी का मायना ही बदल जाता है। दिल हमेशा यही चाहता है कि उसे खुश कैसे रखे। कविता के बिना मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा, जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा, जीऊंगा किसके लिए? और वो भी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डोंट वे, शी हैज टू कम बैक। आई लव हर नंदिता। कविता चलो, इतनी लेट हो गए आप लोग, एयरिंग का टाइम हो गया है। अच्छा रिया आइए। कविता चलो, कविता कविता एक मिनट, कविता कविता रुको, कविता कविता ये क्या कर रही हो? कविता कविता मत करो, आनंद मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज मेरी बात सुनो। अपनी बात आप जज से कीजिएगा मिस्टर आनंद किशोर। यू स्टे आउट ऑफ दिस। चलो कविता कविता कविता। मिस्टर आनंद, आप मेरे क्लाइंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना
लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, इस पर आपके दस्तखत चाहिए। कविता साइन करो। कविता, कविता डोंट। कविता जस्ट साइन इन। केस नंबर 453 कविता किशोर बनाम आनंद किशोर। भरिया भरिया भरिया। चलिए मिस्टर आनंद, ये क्या है? वकालतनामा, आपके साइन नहीं हुए अभी तक। चलो कविता। फाइल निकालिए। मिस्टर आनंद किशोर, मिस्टर आनंद किशोर प्लीज। यस योर ऑनर। मिसेस कविता किशोर। यस योर ऑनर। आप मिस्टर आनंद किशोर से तलाक चाहती हैं? यस योर ऑनर। आपके वकील का कहना है कि मिस्टर आनंद किशोर ने आपको धोखा दिया, आपको टॉर्चर किया, आपके साथ ज्यादती की, दूसरी औरत से संबंध रखे, किसी नंदिता नाम की औरत को घर लाए और आपको आधी रात को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये झूठ है योर ऑनर। कविता, कविता प्लीज, दुनिया के सामने इस तरह एक मिनट मिस्टर आनंद, आपका स्टेटमेंट मैं बाद में लूंगी। योर ऑनर प्लीज इनसे कहिए कि मुझसे बात करें, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचे। बेटी किसके पास है? मिस्टर आनंद के पास है योर ऑनर, इन्होंने जबरन उसे अपने पास रखा है, हमने कस्टडी के लिए दावा किया है। ये झूठ है योर ऑनर, सहसा झूठ है। असलियत तो ये है कि मिसेस किशोर खुद उस बच्ची को छोड़ के चली आई है। वकील साहब प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। स्टॉप इट। पंद्रह अक्टूबर आप लोग बच्ची के लिए एफिडेविट फाइल कीजिए। मिस्टर सोमदत्त आप लोग मेरे चैम्बर में आ जाइए। जी हाँ। तब तक मैं एफिडेविट के कागजात तैयार करके रखता हूँ। जी हाँ चलो। कविता कम ऑन। देखा तुमने, जब घर के झगड़े कोर्ट में जाते हैं तो कैसे इज्जत नीलाम होती है। अब भी वक्त है, भरोसा करो मुझ पर और घर चलो। हमारी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें तुम हो, मैं हूं और नेहा है, उसमें कभी कोई नहीं आ सकता। तुम्हें यकीन है और कोई नहीं आ सकता? कोई नहीं आ सकता कविता। तो फिर ये क्यों आई है यहां? बोलो यहां क्यों आई हो? मिस नंदिता राय या मिसेस नंदिता किशोर का हूं? जानती हूं कविता, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन मेरा यकीन मानो, तुम्हारे घर आने से पहले मुझे पता नहीं था कि वो आनंद का भी घर है। Oh really? जिस आदमी की बच्ची को जन्म दिया उसका घर भी नहीं पता था? मैं सच बोल रही हूँ कविता, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। ऐसी माएं जिन्हें अपने बच्चों के बाप का नाम भी नहीं मालूम होता, कौन होती है मालूम है ना? प्लीज कविता ऐसा मत कहो, नेहा जितनी मेरी बेटी है उतनी ही तुम्हारी बेटी है। मेरा विश्वास, विश्वास? कैसा विश्वास? इस शब्द का मतलब भी जानती हो तुम? विश्वास ही तो किया था कि मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, विश्वास करके ही नेहा का प्यार मैंने तुमसे बांटा था, लेकिन तुमने तो हमेशा मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम्हारी वजह से आज भी घर से बेघर हो गई, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची और मेरे पति मुझसे छूट गए, विश्वास करूं मैं तुम पर? मेरा यकीन मानो, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं चाहा था। तुम्हारा विश्वास तो शायद मैं खो चुकी हूं, बस इसी उम्मीद से आई हूं कि तुम भी एक औरत हो और एक मां भी, शायद मुझे माफ कर सको। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, नेहा को तुम्हारे घर में देखकर संतोष से भर गई थी मैं खुश थी कि उसे मुझसे भी कई अच्छी मां मिली है, और बस घर लौट जाना चाहती थी। लेकिन जब मैंने आनंद को वहां पाया तो अपने आप को संभाल नहीं सकी मैं। मैं कतई तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहती थी कविता,
लेकिन जब तुम अचानक घर छोड़ के चली गई तो मुझे लगा शायद मैं मन को तसल्ली भी देने लगी कि शायद इसी में ईश्वर का न्याय हो कि तुम अपने हिस्से का सुख पा चुकी हो, अब मेरी बारी है। मगर मेरा तो कुछ था ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद आनंद चाहते तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, और मैं खुशी से समर्पित हो जाती। लेकिन नहीं, उन्होंने बस अपनी बच्ची की मां के रूप में मुझे मान दिया है, बस। मेरे साथ हुए उनके संबंध को भले ही तुम पाप कहो, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती थी उस रात हम किस हादसे से गुजरे थे। जीवन और मृत्यु की आंधी में बस एक पल के लिए हमारे पैर उखड़ गए थे। आनंद तुमसे, सिर्फ तुम ही से प्यार करता है कविता, और उनके प्यार में कोई खोट नहीं है, वो सिर्फ तुम ही को चाहता है कविता, दुनिया की हर चीज से ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। यही सच्चाई है। और इसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इतना सब कुछ जानती हो तो मेरे घर में क्यों ठहरी हो? चली क्यों नहीं जाती? चली जाऊंगी, जाने के लिए ही तो आई हूं। बस एक चीज मांगने आई थी, धान समझ के दे देना। अब क्या चाहिए तुम्हें? नेहा। क्या? प्लीज मुझे नेहा दे दो, मैं उसी के सहारे जी लूंगी। पागल हो गई हो तुम? कैसी बातें कर रही हो नंदिता? नेहा हमारी बेटी है, हम सोच भी नहीं सकते। प्लीज आनंद, तुम्हारे पास कविता है, जिंदगी है, सब कुछ है। एक नेहा में मुझे बेटी और तुम दोनों मिल जाओगे, मुझे जीने का कारण मिल जाएगा। भरोसा रखो, मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी, कलेजे से लगा के रखूंगी। प्लीज मुझे नेहा दे दो, मैं कभी तुम्हें अपनी सूरत तक नहीं दिखाऊंगी। प्लीज आनंद, तुम इसको बोलते क्यों नहीं? नेहा मेरी है और मैं कभी उसको अपने से अलग नहीं करूंगी। प्लीज कविता, ऐसा मत कहो, तुम्हारे पास तो आनंद है, चाहो तो तुम अपनी दुनिया फिर से खुशियों से भर सकती हो, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूं, एकदम अकेली। प्लीज नहीं आनंद, नहीं 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 आनंद, प्लीज कविता, मैं तुम्हारी जान, जान, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मुझे नेहा भी चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं नेहा के बगैर नहीं रह सकती, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जान, तुम हो तो सब कुछ है, नेहा भी, मैं भी। नहीं, एक बार पहले भी खो चुकी हूं, दोबारा नहीं खोना चाहती अपनी बच्ची में। कैसे दे सकते हो नेहा को तुम? कैसे जीऊंगी मैं? हम एक दूसरे को देख के जी लेंगे, ले जाने तो इसे नेहा को। नहीं आना, नहीं 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 नंदिता, नहीं नहीं, ले जाना नेहा को। नहीं आनंद, प्लीज मत ले जाने तो। जाओ, मत ले जाने दो। ले जाओ नेहा को, प्लीज। नहीं कविता, नहीं कविता, नहीं 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 आनंद, क्या हक है तुम्हें नेहा को देने का? जाओ, फॉर गॉड सेक जाओ। नहीं आनंद, रोक उसको, आनंद उसको रोक दो। नहीं कविता, मेरे नेहा को नहीं, आनंद उसको रोक दो। आनंद, 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 मैं,
प्लीज आनंद, प्लीज प्लीज आनंद, आनंद मिस्टर आनंद किशोर का फोन आ गया था, आप नेहा को ले जा सकती हैं। आंटी मम्मी कहाँ है? उनका गाड़ी का टाइम हो गया, वो चली गई, लेकिन आपके लिए चिट्ठी बोल के गई है इस कैसेट में। पापा आपने मेरा बर्थडे केक देखा? कविता, पिछली बार आनंद की शिकायत रह गई थी कि मां बिना बोले ही चली गई थी, इसलिए इस दफा बोल कर जाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कविता, मैंने बहुत दुख पहुंचाया तुम्हें, प्लीज फॉरगिव मी। कितना सुखद संजोग है कि आज के दिन ही नेहा का सही जन्मदिन है, और उसके जन्मदिन पर छोटी सी भेंट के रूप में मैं अपने और बाबूजी के संपत्ति के पेपर्स छोड़े जा रही हूँ, उसके काम आएंगे। प्लीज उसे कुछ मत बताना, सब उसी का तो है और उसी को मिलना चाहिए। कविता, मां की गोद से उसकी औलाद को छीने जाने का दर्द समझती हूं मैं, और वो दर्द एक मां दूसरी मां को नहीं दे सकती। उसे जन्म भले ही मैंने दिया है, मगर वो बेटी सिर्फ तुम्हारी है। जानती हो, मुझसे मिलते ही उसने सबसे पहले तुम्हारे लिए ही पूछा था। आनंद ने मेरी नेहा को मुझे लौटा दिया, अब मैं तुम्हारी नेहा तुम्हें लौटा रही हूं। अपनी बच्ची को पाने के स्वार्थ में मैं शायद अंधी हो गई थी, भूल गई थी कि मैंने तो उसकी जिंदगी में अपने हाथों से अनाथ आश्रम लिखा था। उसे जीवन तो तुमने और आनंद ने दिया है। जाने से पहले मैं आनंद से भी माफी मांगना चाहती हूँ, उनके जैसा पिता, पति और मनुष्य शायद ही मिलते हैं। उनके प्यार का अचानक मिला हुआ एक पल ही मेरे लिए बहुत है। उस पल की यादों में अब तुम और नेहा भी जुड़ गए हो। सच, अब कहां अकेली हूं मैं, सदा के लिए तुम सबसे दूर जा रही हूं मैं, लेकिन तुम सब हमेशा मेरे साथ रहोगे। बाय।
एक्सक्यूज मी, बनारस एक्सप्रेस यही है? वो तो जा रही है। जाने लगा